वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम रतन इंडिया पावर लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो रतन इंडिया पावर लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते हैं कि 4.45 पे रिसेंटली ट्रेडिंग कर रहा है स्टॉक। तो देखा जाए तो 3.49% जो फ्राइडे के दिन मूवमेंट की थी स्टॉक ने। तो यहाँ पे हम लोग फोकस डालने वाले फंडामेंटल नंबर्स के साथ यहाँ पे चार्ट के ऊपर भी नजर देखेंगे कि कहाँ पे अगला रेजिस्टेंस लग सकता है स्टॉक के लिए। तो रतन इंडिया पावर में इन्वेस्टमेंट किया है तो देख सकते कि फंडामेंटल नंबर्स के ऊपर नजर डालेंगे। मार्केट कैप 2390 करोड़ की है, करंट प्राइस देख सकते बुक वैल्यू माइनस में दिखाई दे रहे हैं। तो आरओसी जो है वो भी यहाँ पे 7% की है, ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है, फेस वैल्यू ₹10 का है। तो कंपनी के ऊपर टोटल जो लोन है रतन इंडिया के 11,283 करोड़ का लोन हो चुका है। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी लॉस में, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 1600 करोड़ का लॉस पा रही है। रिसेंटली देखा जाए तो डेब्ट भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा डेब्ट यहाँ पे बढ़ चुका है, 11,000 करोड़ के ऊपर डेब्ट चला गया है। ईपीएस माइनस में चला गया। सेल्स देखा जाए तो 3000 करोड़ के ऊपर सेल्स है, सेल्स का ग्रोथ 11% अप है। इन्वेस्टमेंट जो है वो 3066 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, टोटल एसेट 17,400 करोड़ के है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे देख सकते कि 44% की है और उसमें भी शेयर्स बहुत सारे प्लेस्ड है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो फंडामेंटल में थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई दे रहे, पर देखा जाए तो बाकी के जो डिटेल है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते क्वार्टरली नतीजे देखे जाए तो सेप्टेम्बर का क्वार्टर में बहुत सारा लॉस पाया है। तकरीबन 2021 क्वार्टर से देख सकते कि स्टॉक ने यहाँ पे लॉस ही पाती हुई दिखाई दे रही है। प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट देखी जाए तो देख सकते हैं कि पिछले 1-2 साल से यहाँ पे कंपनी लॉस में जा रहे हैं और उसी को कंटिन्यूस इस साल भी देखने को मिला है, 1600 करोड़ का लॉस यहाँ पे पा रही है अभी रिसेंटली। तो बैलेंस शीट के ऊपर नजर डाली जाए तो बैलेंस शीट भी देख सकते हैं शेयर कैपिटल जो है यहाँ पे देख सकते कि कम हो चुका है। रिजर्व शेयर जो थे वो यहाँ पे आप देख सकते थे वैसे ही है, माइनस में ही है। बोरिंग जो थी 10,900 करोड़ से यहाँ पे बढ़ चुके 11,023 करोड़ के हो चुके हैं, मीन जो डेप्ट है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। फिक्स एसेट जो है कम हो चुके हैं 200 करोड़ से, वर्क इन प्रोग्रेस जो है 1100 करोड़ का बाकी है, इन्वेस्टमेंट 4 करोड़ का है सिर्फ। तो कोई फंडामेंटल इतने खास दिखाई नहीं दे रहे रिटर्न इंडिया पावर के लिए, पर रिसेंटली देखा जाए तो काफी अगला रजिस्ट्रेशन लग सकता है। पिछले 2 दिनों तो एक अच्छी तेजी के साथ ऊपर जा रहा है स्टॉक, पर देख सकते कि अगला रजिस्ट्रेशन जहाँ पे लगेगा वो देख से देखा जाए तो 4.55 पे देख सकते कि तकरीबन 200 मूविंग एवरेज है, जो कि ब्लू कलर का लाइन है 200 मूविंग एवरेज है, उसका रजिस्ट्रेशन लग सकता है 255 के करीबन, सॉरी 4.55 के करीबन। तो उसको ब्रेकआउट मिलता है तो इजीली 5 लेवल तक जाने के जो चांसेस है ओपन हो जाएंगे, और लास्ट टाइम 5 लेवल पे ही रेजिस्टेंस लेके गिरावट हो चुकी है। तो इसको ब्रेकआउट देता है तो 5 लेवल तक इजीली जा सकता है स्टॉक।